मध्य गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। थाना के राबोड़ी एरिया में आज सोशल वर्कर फरहान सिद्दीकी की ऑफिस पर माननीय श्री संजय जी केलकर साहब के मार्गदर्शन में सोशल वर्कर फरहान सिद्दीकी ने राबोड़ी के बच्चों को 15 अगस्त के मौके पर इंडिपेंडेंस डे पर, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो बच्चे हैं राबोड़ी के, वो यहाँ पर लाइन लगाकर गिफ्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं। संजय केलकर साहब और फरहान सिद्दीकी ने अपने हाथों से ये बच्चों में ये गिफ्ट तकसीम किया, और क्या है पूरा मामला आइए देखते हैं इस वीडियो में। और बात करते हैं संजय जी केलकर साहब से और फरहान सिद्दीकी से कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया था और क्या कहना है इनका। हर साल की तरह इस साल भी ये गिफ्ट बांटे गए हैं, तो ये गिफ्ट क्यों बांटे जाते हैं वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडी न्यूज़, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और वीडियो आपको कैसे लगती है लाइक और कमेंट करके शेयर करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे थाने मुंबई और महाराष्ट्र की न्यूज़ अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। भाई आज आपके ऑफिस पर ये कुछ गिफ्ट्स देख रहे हैं हम, बांटे गए, तो ये क्या गिफ्ट्स है और क्यों बांटे जा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। असल में आज 15 अगस्त के मौके पर, आज स्वतंत्र दिवस के मौके पर, पिछले साल भी हमने बच्चों को गिफ्ट दिया था, इस बार भी हमने कोशिश की कि यहाँ के अपने एरिया के बच्चों को, कि ये हमने एक टिफिन बॉक्स सब बच्चों को दिया हुआ है। इस मौके पर हमारे आमदार सम्माननीय आमदार संजय जी केलकर साहब भी यहाँ पे आए थे, और साहब के शुभ हाथों से हमने ये बच्चों के बीच में ये तकसीम किया है, और कोशिश की है कि भाई आने वाले वक्त का भविष्य है हमारे बच्चे, इसलिए हमने ये गिफ्ट अपने बच्चों को दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ, ये लाडली बहन योजना के फॉर्म हमारे यहाँ से ना लगभग 1200 फॉर्म के करीब करीब फिलअप हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों को पैसे भी आए हुए हैं आज की तारीख में। ये हमने साहब के मार्गदर्शन में यहाँ शुरू किया था ये फॉर्म, हमने हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर, मैं अपनी टीम को बधाई देता हूँ कि आज लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार साहब पवार जी, हम लोगों के, उनके भी हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आज लोगों के बीच में उनके पैसे पहुंच रहे हैं। तो मैं भी लोगों से, अगर जो लोग रह गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, अभी भी टाइम है, 30 तारीख तक का डेट है, मेरे यहां पर आकर अपना फॉर्म लाएं और सबमिट करें। हमारी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ का लाभ उन तक भी पहुँचे। और साहब भी आए, और साहब भी राबोड़ी के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे उन्होंने आधार कार्ड का कैंप लगाया, आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे लिए वो खड़े हैं, पानी के लिए वो हमारे लिए खड़े हैं, और जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं राबोड़ी के, हर चीज़ के लिए वो सबसे आगे नज़र आ रहे हैं इस वक्त आज की तारीख में। तो साहब ने हम लोगों को, राबोड़ी वालों को भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कहा कि भाई मेरे पास कोई भी मसला लेकर आए, मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। इसीलिए आज बहुत अच्छा दिन है, और मैं चाहूँगा कि आप ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ, और सभी देशवासियों को, राबोड़ी के सभी आवाम को आज यौम आज़ादी के मौके पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद मैं सबको देता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हमसे जो हो पाएगा अपने बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, ज़रूर हम करते रहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो फरहान सिद्दीकी सोशल वर्क के ऑफिस पे, यहाँ पे फरहान भाई की तरफ से आपके मार्गदर्शन में आज ये जो कैंप रखा गया था, जिसमें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के मौके पर आज राबोड़ी के बच्चों में जो आपके सामने जो गिफ्ट्स रखे हुए, इसमें कुछ गिफ्ट्स बच्चों के लिए स्पेशल दिए जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज स्वतंत्रता दिन है, और तिरंगे को सलाम करते हुए आज के शुभ दिन ये उपक्रम जो है, ये फरहान भाई के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से यहाँ पे आज हमने रखा है, और हजारों बच्चों को जो दैनंदिन ये टिफ़िन की तो ज़रूरत पड़ती है, टिफ़िन बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये टिफ़िन बॉक्स दिए जा रहे हैं, उसमें तिरंगा का चित्र है, तो एक अपने देश के प्रति भी भावना जो है वो रहेगी, और
ये टिफिन का भी उपयोग रहेगा। वैसे ये कार्यालय जो है वो जनसंपर्क का कार्यालय सिर्फ नहीं है, तो जन समस्या हल करने का ये कार्यालय अभी हुआ है। कोई बिजली की समस्या हो, रेशन की समस्या हो, प्रॉपर्टी टैक्स की समस्या हो, झुग्गी हमारे घरों की समस्या हो, और अलग अलग योजनाएं सरकार की जो है उसके माध्यम से भी हमारे ये रन भाई का जो कार्यालय के माध्यम से बहुत सारा काम जो है यहाँ हो रहा है। लोग भी निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है कि लोग भी हम जो काम करने का कोशिश कर रहे हैं वो उसमें खुश है। अभी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे फॉर्म जो है ये ऑनलाइन पहुंच गए, और कुछ हमारे माता भगिनियों को लाडली बहन योजना के पैसे भी उनके खाते में जमा हो गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहाँ लोगों तक पहुँचना, हमारी योजनाएँ ये वहाँ तक पहुँचाना, उनको उस योजनाओं का लाभ देना और समस्याओं का हल करना, इतना सरल सीधा काम इस माध्यम से फरहान भाई वहाँ लीड कर रहे हैं। हम साथ में हैं, हमारी टीम यहाँ पे काम करती है, तो इस माध्यम से ये कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि छोटों से लेके बड़ों तक ये हमारे सारे यहाँ के जो भाई बहन हैं वो निश्चित रूप से समाधानी रहेंगे।